अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में खुश आमदी। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, वो जस्ट ये है कि जो ये बात चल रही है कि पाकिस्तान के वीज़े प्रोसेस नहीं हो रहे, पाकिस्तान के वीज़े नहीं लग रहे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा अपना एक दोस्त है, उसका इवन कि अबू धाबी में वीज़ा लग गया है। उसका थोड़ा सा इशू आया था, लेकिन उसका एक दो दिन पहले अबू धाबी में वीज़ा प्रोसेस हो गया। अगर अबू धाबी में हो गया तो दुबई में तो डेफिनेटली आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो दुबई में मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका वीज़ा प्रोसेस हो गया है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास जो भी फाइनल डिग्री होगी, आपके डॉक्यूमेंट होंगे, उसको HEC से अटेस्ट करवा के आएँ, फॉरन ऑफिस पाकिस्तान से अटेस्ट करवा के आएँ। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान में यू ई एम्बेसी से अटेस्ट ना करवाएं, दुबई आ जाएं। क्योंकि अगर आप वहाँ यू ई एम्बेसी से अटेस्ट करवाएंगे, उसके बाद दोबारा यहाँ आके भी आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। मेरे अपने साथ यही हुआ कि मैंने वहाँ यू ई एम्बेसी से अटेस्ट करवाया था, मैं दुबई में आके मैंने अभी दोबारा यू ई एम्बेसी से अटेस्ट करवाया, तो ये मेरा डबल एक्सपेंस हो गया। तो आप वहाँ से अटेस्टेशन ना करवाएँ, आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ अपने कंसुलेट ऑफिस चले जाएँ, 40 दिरहम की एक स्टैंप है वो करा लें, उसके बाद अपने मौका से अटेस्ट करवा लीजिए। सिंपल और सस्ता प्रोसीजर है, सस्ता प्रोसेस है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। ये डॉक्यूमेंट की जो अटेस्टेशन है इनसाइड द यूएई भी, ये आपने जब विज़िट पे होंगे तभी करा लेनी है। कई लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, जी हमारे जब जॉब हो जाएगी तो हम करा लेंगे ना। मोस्टली क्या होता है, जब जॉब होती है एज डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उस पर वो वाली अटेस्टेशन पेंडिंग होती है। पाकिस्तान यू ई एम्बेसी की अटेस्टेशन होती है, इधर जो PRO उसका नंबर डालता है, आगे से वीज़ा रिजेक्शन आ जाता है। कई बंदों से ये भी हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की यूई एम्बेसी की जो स्टैम्प थी, वो नंबर PRO ने एंटर किया, उसकी वजह से रिजेक्शन आ गई है। वो ये बोल रहे हैं कि इनसाइड द यूई जो मोफ है, यहाँ से अटेस्टेशन करवा के लाएं। तो आपने जैसे ही विजिट पर आना है, सबसे पहले ये काम करना है कि आपने अटेस्टेशन इनसाइड द यूई भी कम्प्लीट कर लेनी है। इस चीज़ का वेट नहीं करना जी जॉब होगी देखेंगे, ऐसी बात, जब जॉब होती है फ़ौरन वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, क्योंकि आप विजिट वीज़ा पर होते हैं तो आपको उन्होंने फ़ौरन जॉब पे रखना होता है और कुछ टाइम के बाद वीज़ा प्रोसेस करना होता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। तो किसी किस्म की कोई परेशानी की, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा बिल्कुल लग रहे हैं। आप इधर आएँ, जॉब ढूंढें, जब आपकी जॉब हो जाए इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। तो कुछ लोग नेगेटिव चीज़ें मार्केट में फैला रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।